बैड न्यूज़ ये है कि मैं नहीं जा रहा, मेरा जाना कैंसिल हो गया है, वो इसलिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मुझे कहीं जाना है। अब देखते हैं कि मैं जा पाता हूँ कि नहीं जा पाता हूँ। मैंने जैसा कि अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आज गया या फिर बद्रीनाथ में से किसी एक जगह पर जाना है हम लोगों को, मैं, भैया और दो चार और फैमिली के मेंबर्स हैं, वो सभी लोग। तो अभी लेकिन मेरा कुछ कंफर्म नहीं है मेरा, लेकिन फ़िलहाल अभी भैया ने बोला है कि रेडी हो जाओ, जैसा होगा वैसा फिर डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं जल्दी से थोड़ा पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, रख लेता हूँ। मान लीजिए कि अचानक से जाना पड़ा तो कम से कम जा सकता हूँ, वरना फिर घर पर रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी गाइस जा रहा हूँ प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि अगर बद्रीनाथ जाना होगा तो गर्म कपड़े निकालने होंगे, क्योंकि वहाँ पे ठंड पड़ रही है अभी। वहाँ पे कल भी टेम्परेचर वहाँ का 2 से 3 डिग्री सेल्सियस था। और अगर गया जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल कपड़े लेकर जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में है तो वहाँ पर उतनी ठंडी नहीं है। तो मैंने ना बस ज़्यादा नहीं, बस ये 2 शर्ट निकाले हुए हैं, एक लोअर ये पहन के जाऊँगा, क्योंकि होता क्या है कि रास्ते में लोअर पहन कर जाने से ज़्यादा आराम रहता है, तो लोअर लेके चलेंगे। ये 2 टी शर्ट्स लेके जाऊँगा और ये 1 जीन्स लेके जाऊँगा, बस इतना पर्याप्त, क्योंकि सिर्फ 3 से 4 दिन का ट्रिप है तो इतने कपड़े बहुत हैं मेरे ख्याल से। लेकिन शर्ट जो है उनको जल्दी से मैं प्रेस कर लेता हूँ। फिलहाल जो है मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं और लगा लिए हैं, इतने ही सारे कपड़े लेके जाऊँगा। वो लोअर जो है वह पहन के जाने वाला हूँ, और ये लेकर जाऊँगा टी शर्ट्स, ये जीन्स और ये शर्ट। तो अब जल्दी से इनको कर लेते हैं पैक एक जगह पर अभी, क्योंकि बहुत सारा सामान रखना है। तो उसके लिए जो है बैग भैया के पास में रहेगा, मैं पॉलीथीन में लेके जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि भैया का बैग बड़ा है तो उसी में डाल के लेके जाएंगे। बैड न्यूज़ ये है कि मैं नहीं जा रहा, मेरा जाना कैंसिल हो गया है। वो इसलिए, नाना है, नानी है, बाबा हैं, तो वो लोग बहुत बूढ़े हैं, तो उनको कंफर्टेबली बैठने को मिलना चाहिए, ठीक है। और वो सही बात है यार, उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए फ़िलहाल मेरी तो ये ट्रिप कैंसिल हो गई है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप कब बनेगी। फ़िलहाल मेरी तो तैयारी पूरी हो गई थी, लेकिन अब देखते हैं, शायद हो सकता है भगवान की इच्छा नहीं होगी अभी दर्शन देने की। फ़िलहाल अपना डेली रूटीन जो मेरा होता है वो मेरा कंटिन्यू रहेगा, अभी कुछ काम भी हैं वो निपटाने हैं, देन अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी, इट्स ओके। फिर जब कभी मौका बनेगा तब फिर चलेंगे आप सभी को लेकर भी। तो तब तक के लिए फ़िलहाल गाइस अभी टाइम हो रहा है, ये कपड़े वपड़े तो रख लिए हैं मैंने यहाँ पे, अब उनको वापस उसी में रख देंगे इसमें, और फिर करेंगे अपने काम। मेरा जाना तो कैंसिल हो गया, बहुत दुख भी बहुत हो रहा है यार, बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखी थी, क्योंकि मेरा चांस जो था वो 50-50 का था। तो खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर कभी चलेंगे चलेंगे, इससे निराश नहीं होना चाहिए, और मैं निराश हूँ भी नहीं। तो गाइस फ़िलहाल अभी वक्त हो चला है मेरा घर से निकलने का, क्योंकि घर के कुछ काम है। तो फिलहाल गाइस अभी चलते हैं घर से बाहर और देखते हैं कि आज दिन में क्या स्पेशल होने वाला है। तो निकला था घर से पढ़ाने के लिए, लेकिन निखिल भाई का फोन आ गया। निखिल भाई बोले कि आओ यार साथ में मिलकर जो है नरेंद्र मोदी जी का, उनका जन्मदिन जो है सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई आ जाते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं एक होटल में, और यहीं पर हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन। ये पीछे नरेंद्र मोदी जी के लिए जो है इतने सारे लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, और जो चीफ गेस्ट हैं आने हैं, जब आ जाएंगे, आने ही वाले हैं बस, फिर उसके बाद हम लोग जो है मोदी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। ये है सब सजाया गया है, तो अभी 5 से 10 मिनट लगेगा, अब तक तो वेट करना पड़ेगा। फिलहाल वेट करते हैं, जल्दी ही आएंगे तो सेलिब्रेट करते हैं मोदी का जन्मदिन। निखिल भाई जो है ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए हैं नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे। यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनका जन्मदिन, जन्मदिन मनाया जाएगा कल से। उनका जो 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम का पूरा देखा जाएगा। वही अब से कुछ ही 5 से 10 मिनट में जो है चीफ गेस्ट आने वाले हैं, और फिर हम सब लोग मिलकर मोदी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। ये था अच्छा ठीक। तो भैया सेलिब्रेट कर लिया आज जो है मोदी जी का जन्मदिन हम लोगों ने, केक कट चुका है, और अब बस सब लोग पार्टी करने जा रहे हैं। पार्टी वार्टी हो गई और अब चलते हैं यहाँ से सीधा क्लास लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा है। तो अब यहाँ सीधा जाऊँगा भोला के घर, क्योंकि भोला की छुट्टी है तो भोला घर पे है, तो पहले भोला को पढ़ाऊँगा आज, और फिर जाऊँगा मैं किट्टू को। तो लेट्स गो। आया था किट्टू को पढ़ाने के लिए, इनकी अपनी अलग क्लास चल रही है, और ये देखिए ये इसी पोजीशन में है। ये क्या है पागलपंती सर, पागलपंती। ये सब ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि कहा था उसने 15-20 मिनट्स में कर लिया। अरे किट्टू यार, मैं
सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन से परेशान होने वाला था कि आप गए नहीं, मतलब जले पे नमक छिड़कना किसको कहते हैं, कोई इन लोगों से सीखो। ये लोग हैं, यही लोग हैं जो जीने नहीं देते हैं। जले पे नमक छिड़क, किट्टू भी जाने वाली थी जम्मू और अचानक से क्या हुआ, सब कुछ हो गई थी, बुकिंग हो गई थी, सब कुछ हो गई थी, पूरा प्लान हो चुका था कि जाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि किट्टू का प्लान कैंसिल हो गया था। लेकिन मेरा वाला तो मुझे पहले से ही कुछ, मेरा 50-50 था, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो नहीं गए। जिनको जाना था, भैया को जाना था, वो चले गए। चलो भाई हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तबीयत कैसी है भोला? ठीक हो? अब दवाई फ़ायदा की वाली? चलो भैया, घर के सामने इतना पानी भरा हुआ, निकलवाने की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? मैं बताओ, इतना पानी हमको पूरी बाइक आधी आधी डूबो के, तो उसमें डूब के आई है, समझ लो तैर के आना पड़ा है मुझे। तबीयत तो ठीक होगी, लेकिन भोला सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद ठीक नहीं कराते। मैं कैसे ठीक कराऊं? बताओ बेचारे, क्या करें, कुछ कर ही नहीं पाता। चलिए कोई बात नहीं। किट्टू और भोला की क्लास देने के बाद में मैं आ गया था घर, पसीने से एकदम ना टी शर्ट भर गई थी, मैंने सोचा चेंज कर लेता हूँ, खाना भी नहीं खाया था तो खाना खा लिया, और अब मैं जा रहा हूँ पीडी नगर। अब मम्मी जी जो है बैठ कर शाम के लिए खाने की तैयारी कर रही हैं। क्या बनाओगी? उपमा पहले बनेगा। हैं? पहले उपमा बनेगा। उपमा बन रहा है आज शाम को। तो गाइस मैं आ चुका हूँ भैया के घर, लेकिन भैया है नहीं क्योंकि भैया तो चले गए बद्रीनाथ। तब मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब इनको जो है कितना सुकून मिल रहा होगा, कम्बल लोड़ के मस्त टैबलेट पेट पे रख के, ऐसा लग रहा है जैसे सुबह से ये तो काम भी तो करवाया है। कौन सा काम भैया? सब 25,000 लोगों को खाना खिलाए। 25,000 लोगों को खाना खिलाए? 30-40-50 लोग तो आए। 1,000 लोग खाना तुमने अकेले खाए? तो 20 बार चक्कर भी तो लगाए, खत्म हो गई हर बार। हाँ तो तुम गए तो स्कूटी से ही हो गए ना भाई? स्कूटी जाने से कौन थकता है? अब बताओ स्कूटी जाने पे ये लड़का जो है स्कूटी, पता है आपको, ये यहाँ से थोड़ी सी दूर 500-600 मीटर जाएगा, वो भी स्कूटी से, बोलेगा अरे आराम कर लेने दो हमको। मतलब भाई अगर पैदल जाएगा तो मुझे लगता है 6-7 दिन तक ये उठेगा ही नहीं। देख लो ये इनका, ये ऐसे आएंगे, ऐसे करके ऐसे फैल जाते हैं आके, आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम यही से लेटे ही रहते हैं। स्पिराल जो है अभी इनकी क्लास चलने जा रही है। अब चले गए थे हम, कहाँ चले? बाबा के आते तुम तो क्या करें, बाबा के सामने एक बार आते हैं। एक बार जाते हैं, मैंने बहुत बार बोला था। तो गाइस फिलहाल आपसे मैं क्लास ऑफ होने के बाद में मिलता हूँ। तुम्हारे पास कितने हैं? 51 रुपए हैं। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मम्मी कि ये सब भूखे बंगाली हैं, सबके सब भूखे हैं, और यहाँ प्लान हो रहा है कंट्रीब्यूट करके। थोड़ा मैगी लेके आए, मैगी बनाते हैं। भैया तुम मैगी रहने दो यार बनाने को, तुम मैगी बनाओगे? हम सब्जी वब्जी काट के। घंटों लगाओगे मैगी? घंटे नहीं, हाँ 15 मिनट में जाएगी। 15 मिनट मैगी, 2 मिनट की मैगी 15 मिनट बनाओगे तब भी ज्यादा नुकसान है ना। मानस ने भी कंट्रीब्यूशन कर दिया। मानस कितना कंट्रीब्यूशन है? पैसे ही नहीं है भाई, बता नहीं, पैसे नहीं मेरे पास में। 30 रुपए ट्रेलर पड़े थे भाई, जब गुम गए 20 रुपए तुरंत लो, 20 रुपए मैं अभी हमारी जेब में यही सब मिलता है। ये लो 10 रुपया, 10 रुपए काम तो नहीं चलेगा। ये लो 10 रुपया और क्या लाओगे बताओ? क्या कहला चाउमीन? देखो चाउमीन, पिताजी को कल जब ये ब्लॉग देखेंगे ना बेटा, तो लौट के आएंगे तो बहुत तो छटनी करेंगे चाउमीन। भैया देखिए ऐसा है, लौट के आइएगा तो उसको डांटिएगा नहीं ये ब्लॉग देखने के बाद में। बेचारा संडे मुझको वैसे भी अलाउड है, तो आज संडे नहीं है तो हमको एक दिन हमने अपना कहते गवा दिया, कल नहीं खा पाएंगे। ओ यानी कल वाला आज यूज कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? तुम जाओ, ये कहाँ जाएंगे? तो ये लोग तो जा रहे हैं फिलहाल कुछ सामान लेने के लिए, मैं फिलहाल यहीं पर बैठ कर टैबलेट देखूंगा, वेट करूंगा थोड़ा सा। या चले आए खाली यार, मतलब कुछ, मतलब कोई काम का नहीं है। गया था लेके भी नहीं आया कुछ, अब क्या, अब यहाँ से ऑर्डर करा जाएगा, अब क्या किया? अब ये देखिए ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है, अब मुझे ही उठानी पड़ेगी ये जिम्मेदारी, 70 रुपए जो है बड़ी भारी, लेकिन हमको मुझे लेके जाना पड़ रहा है इनको, अकेले से नहीं हो पाया इनसे। ठीक है तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? चलो अब मैं लेकर आया हूँ इनको महाशय को। बेटा मेरे बिना काम होता नहीं, तुम्हारा कितना भी कर ले गुरु गुरु ही रहेगा, जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक इन्हें कुछ नहीं होगा। अभी जो है हमको मिल चुका है हैप्पी और सुभाष भाई, दोनों जो है अचानक से मैं शॉप पे आया,
यहाँ नहीं रहते, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक गांव है बिछिया, दोनों बिछिया ब्लॉक से हैं, मुर्तजा नगर से। और अभी हैप्पी भाई तो बड़ा यार नेपाल वेपाल घूम के आए हैं खूब, हम तो इनका ब्लॉक देखे यार बड़ा अच्छा था यार दोनों का। तो भैया आप सामान तो पैक हो गया, अब हम लोग जाएंगे घर, भाई लोग भी करेंगे पार्टी। ओके भाई कितनी बड़ाई, कितनी बड़ाई की जा रही तुम्हारे शांतन। अरे सो गाइस फिलहाल हम लोगों ने पार्टी वार्टी कर ली, क्लास भी ओवर हो गई, लेकिन मन बहुत दुखी है। मन इसलिए दुखी है क्योंकि मैं जा नहीं पाया वहाँ पे, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेस है, मेरा मन बहुत था जाने का। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी जब मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। एक तो एक दिन में मेरे साथ में बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे कि मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है 8 से 10 काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ, आप सभी लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ। मानस बैठा हुआ है, मानस के फ्रेंड्स भी देखते हैं भाई, तो मानस की तरफ से मानस क्या कहना चाहोगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर। सुन तो लिया ही होगा विनोद, गाइस पसंद आ रहा हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।